वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं शाम को 7 बजे से आपकी होती है कि जीरो लेवल गणित की क्लास, उम्मीदों की नई क्लास। आज आपकी क्लास थोड़ा शॉर्ट टाइम में होगी लेकिन पूरा कंप्लीट होगी जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे समापवर्तक और अपवर्तक, जिसमें हमारा मेन टॉपिक होगा समापवर्तक यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिसे आप लोग मासा के नाम से जानते हैं या फिर और सभी लोग लगभग HCF के नाम से जानते हैं। एक नया नाम है यहाँ पर GCF, कहीं कहीं आता है GCF तो आप लोग घबरा जाते हैं कि GCF क्या है। जैसे कि HCF का मतलब आप जानते हैं होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। चाहे हाईएस्ट बोले या ग्रेटेस्ट बोले, दोनों का मतलब वही हुआ, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें एक नया वर्ड जो मिलता है समापवर्तक, पहले इससे परिचित होते हैं समापवर्तक क्या होता है। पिछली क्लास में आप लोगों ने अपवर्तक पढ़ लिया था और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था मैं उनको बता दूं, अपवर्तक का जो नाम आप सभी जानते हैं वो होता है क्या, गुणनखंड। तो गुणनखंड सभी जानते हैं क्या होता है, गुणनखंड को ही अपवर्तक कहा जाता है। जैसे ये संख्या है 10, अब ये 10 किस किस संख्याओं से पूरी तरह कट जाएगी वो क्या होंगे, इसके अपवर्तक होंगे। यानी कि 1 से भाग करेंगे 10 पूरा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 10 से कट जाएगा, यानी कि 10 के ये सभी क्या है, अपवर्तक है। समापवर्तक कभी एक संख्या का नहीं होता है। समापवर्तक यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं का होता है, जैसे महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक, है ना। लघुत्तम समापवर्त होता है, वर्तक नहीं होता है, क्योंकि उसे क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए फैक्टर और मल्टीपल में अंतर होता है, ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या होता है यहाँ आप लोग समझ लीजिएगा। फैक्टर का मतलब होता है जैसे हमने लिखा 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, तो ये क्या है 2 × 4, या फिर इसे आप शॉर्ट में और ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो 2 × 2 × 2, ये 2 जो है ये सभी क्या 8 के फैक्टर हैं, क्या है, फैक्टर है। लेकिन अगर हमने एक संख्या लिखा यहाँ पर क्या, वो संख्या कौन सी है, मैंने लिख दिया मानते हैं यहाँ पर 20 लिख दिया ना, 20, अब यहाँ पर हमने लिख दिया 2, 4, 5, तो ये जो 20 है वो क्या है, इनका मल्टीपल है, ठीक, समझ गए क्या है, मल्टीपल है। या फिर इसी में आप समझ लीजिए 8 क्या है, इन सब का मल्टीपल है, और मल्टीपल मतलब जानते हैं गुणनफल या गुणन। देखिए अब इसमें बात करते हैं समापवर्तक की, समापवर्तक मतलब जिसे आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का होता है। और यहाँ पर अगर हाईएस्ट समापवर्तक की बात करें, मतलब महत्तम समापवर्तक LCM की, HCF की, तो देखिए 1 भी क्या है, समापवर्तक है, 2, 1 दोनों में 1 है, 2 भी है, 4 भी है और 5 भी है, लेकिन ये सब में एक दूसरे में कॉमन नहीं है। पहले देखते हैं कौन सी ऐसी गिनती है जो दोनों में कॉमन हो। देखिए 1 है, आप यहाँ लिख लीजिए 1, इसको गुणा का चिन्ह लगा के, दोनों में कॉमन 2 भी है, इसको भी आप यहाँ निकाल लीजिए। अब देखिए इसमें और कोई भी नंबर है जो दोनों में कॉमन हो, नहीं है ना, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या या वो बड़ा से बड़ा अंक जिससे ये दोनों कट जाएं। जैसे कटने को आप 2 से काटेंगे तो 8 भी कट जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, ये भी कट जाएगा। अगर आप 4 से काटेंगे तो 4 से भी 8 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा पूरी तरह, कटने का मतलब भाग देने से शेषफल 0 आए, यानी 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 से ये तो कट रहा है बट ये नहीं कट रहा है, दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर आप 5 से काटते हैं तो ये नहीं कटेगा बट ये कट जाएगा, दोनों की बात बननी चाहिए, ये भी कटे और ये भी कटे तभी होता है उत्तर, नहीं तो नहीं माना जाता है, समझ में आया। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कहने का मतलब कि इन दोनों में जो डिजिट, मतलब दोनों को काटे पूरा पूरा शेषफल 0 आए वही होता है, तो यहाँ आप इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि 8 और 10 का समापवर्तक क्या है, 2 है, समापवर्तक ही नहीं महत्तम समापवर्तक है ये, बड़ी से बड़ी संख्या। बाकी अगर समापवर्तक की बात करें तो यहाँ पे आप और भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पर हम LCM की बात करें इनके, तो LCM 40 होगा कैसे, देखिए वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से भाग देने पर कट जाए,
इन दोनों से भाग देने पर कट जाए। कैसे? जैसे देखिए, एक प्रकार से आप इन दोनों का पहाड़ा लिख लीजिए तो आप समझ जाएंगे 40 कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, दोनों में मैं आपको अंतर दिखा रहा हूँ। वैसे तो आप लोग जानते होंगे लगभग, जैसे मैंने यहाँ लिखा 8, ये हो गया 8 और ये 16, 8 + 24, ऐसे आप लिखते जाएंगे 32, 40, 10 का भी आप लिखेंगे तो 10, 20, 30, 40। अब आप यहाँ ये देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों में है। दोनों में देखिए 8 है, नीचे वाले नहीं है, ये है, ये भी दो से इसमें नहीं है, इसमें ये देखिए है 24 ना, बट इसमें कहीं 24 नहीं है, इसमें देखिए 32 है, इसमें नीचे है कहीं नहीं है दूसरे वाले में, मतलब कि उसके टेबल में आनी चाहिए दोनों में। और सबसे पहले जो मिलेगी, देखिए 40 इसमें है, इसकी भी मुलाकात इसमें 40 में हो रही है। इसके अलावा अभी आगे जाने पर और भी नंबर से हो सकता है, मतलब और भी दोनों नंबर दोनों में कॉमन हो सकते हैं। जैसे कौन सा, अभी आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे 80 इसमें भी आएगा, 8 × 80 और 10 × 88 इसमें भी आएगा। अब आप कहेंगे 80 भी तो है, तो फिर 80 को उत्तर क्यों नहीं लिखते हैं, 40 को ही क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? इसका रीजन ये है कि इसमें हम लेते हैं छोटी से छोटी संख्या, मतलब जहाँ पर हमारा काम हो गया, कोई संख्या कॉमन हो गई, उसके आगे हम नहीं जाते हैं, उसी में रुक जाते हैं। बाकी अभी और आगे जाएंगे 160 भी दोनों में होगा, 320 भी दोनों में होगा, जो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, लेकिन सबसे पहला इनकी मुलाकात दोनों का जो एक में कॉमन है कहाँ पर हो रहा है, 40 में, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, 40 होगा। समझ गए? तो ये एलसीएम और एचसीएफ का बिल्कुल कॉन्सेप्ट था, एकदम बेसिक जो आप लोग समझ चुके हैं। आज की क्लास बहुत छोटी होगी आपकी, कल से कोशिश रहेगी कि आपकी बड़ी क्लास होगी, तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद आप लोगों की क्लास होती है जो कि 8 बजे से एक दो दिन से, वो भी कुछ दिक्कत में चल रही है, नहीं हो रही ना, लेकिन आज जो है वो आपकी क्लास, उसकी जगह पे आपको एक दूसरी क्लास दिखाई जाएगी 8 बजे, आप उसे देख लीजिएगा और फिर आपकी क्लास कल से वो सभी बिल्कुल चलने लगेंगे। ठीक है, आज 8 बजे से देख लीजिएगा। अभी क्लास होगी मैथ की आपकी 9th के लेवल पर, और ट्रिक वाली क्लास आपकी जल्दी ही आपको फिर से दिखाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, कृपया इस क्लास को लाइक अवश्य करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।